कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस आला कमान पर कपिल सिब्बल ने हमला बोला। कपिल सिब्बल ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के अनुभव का इस्तेमाल कांग्रेस आला कमान ने नहीं किया, कांग्रेस को आजाद के अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए था। कपिल सिब्बल वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहां सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। ये आज मुझे बात नहीं समझ, आज तक बात नहीं समझ आ रही। और इसलिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं कि वही मजबूती जिसकी एक एक चित्र गुलाम नबी आजाद जी हैं, उसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है। एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात, भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है, पर हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। चकल्लस बहुत होंगी, होने दीजिए। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूँ, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूँ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। एक तरफ तमिलनाडु में राहुल गांधी रोड शो कर अपनी ताकत दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ जम्मू में आजाद खेमा बगावत की स्क्रिप्ट लिख रहा था। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है। जम्मू में कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं का जमघट लगा। आजाद से लेकर कपिल सिब्बल और हुड्डा से लेकर आनंद शर्मा, सबके सिर पर केसरिया रंग का खास साफा दिख रहा था, जिसका संदेश था दिल्ली में आला कमान के खिलाफ बगावत। आवाज उठी आजाद के सम्मान की, कमजोर होते कांग्रेस को मजबूत करने की। जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहां सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। और इसलिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं कि वही मजबूती जिसकी एक एक चित्र गुलाम नबी आजाद जी हैं, उसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है। मंच पर कांग्रेस के असंतुष्ट नेता आला कमान के खिलाफ बोल रहे थे तो वहीं बाहर पोस्टर से गांधी परिवार की तस्वीर गायब थी। संदेश साफ था, आजाद की अनदेखी इन नेताओं को अब और बर्दाश्त नहीं। यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक, सरकार में और कांग्रेस पार्टी में काम किया है, अगर जिनकी टर्म खत्म होने की रिटायरमेंट की बात से पूरे देश और दुनिया में चर्चा है, अगर वो वापिस आए हैं अपने सूबे में, हम ये कहने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तान के तमाम लोग इनके एहसानमंद हैं और हम इनके साथ हैं। इसलिए हमारी लड़ाई वो भी जारी रहेगी पार्लियामेंट। हालांकि इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने आला कमान को सीधे सीधे तो निशाने पर नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में वो बहुत कुछ बयां कर गए। आजाद ने साफ कर दिया कि वो राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, लेकिन राजनीति से नहीं।
मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था तब भी बीच में गैप था, बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, डूबते हैं, कोई अभी हमारी जारी नहीं रही। खास बात यह रही कि गुलाम नबी आजाद ने अपने भाषण में न तो सोनिया गांधी का जिक्र किया और न ही राहुल प्रियंका का नाम लिया। उनकी जुबान पर सिर्फ महात्मा गांधी का नाम था। संदेश यह भी साफ था कि आजाद कैंप को अब सोनिया और राहुल की कांग्रेस गवारा नहीं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज निश। और देखिए इस वक्त देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी दो फाड़ दिखाई दे रही है और सीधे तौर पर जम्मू से जो खफा नेता है, असंतुष्ट नेता है, वो आलाकमान को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ये जानने के लिए हम सीधे जम्मू का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ शाहनवाज खान जुड़ गए हैं। मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस मुख्यालय से रवि सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले शाहनवाज, आपके पास आते हुए आज क्या संदेश कांग्रेस आलाकमान को देने की कोशिश इन खफा नेताओं ने की है? देखिए ज्योति, सीधे तौर पर संदेश जम्मू कश्मीर से, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और कल ही वो उनका स्वागत यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया गया था और आज कल शाम को ही ये सारे G23 नेता जो थे वो जम्मू पहुँच गए थे और एक सीधे तौर पर ये संदेश दे दिया गया है कि अगर पार्टी यहाँ पर इन सीनियर नेताओं को इग्नोर करती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा डिसीजन जो है वो ये सभी नेता यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इन नेताओं ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो गांधी परिवार है, उन पर निशाना सीधे तौर पर यहाँ पर नहीं साधा है, लेकिन साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार कई लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी तो में उनको इग्नोर मतलब कर रहे हैं। सीधे तौर पर अपनी देखी से, अपनी अनदेखी से नाराज दिखाई दिए शाहनवाज। सीधे में रवि सिसोदिया के पास चलती हूँ, कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। रवि, जरा बताइए जो एक बैठक जम्मू में चल रही है उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि अच्छा, अगर ये अच्छा होता जो नेता जम्मू में अपनी रैली कर रहे हैं या सभा कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाले वहां पर सभा करते, तो एक तरह से सतर्क संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है कांग्रेस की तरफ से उन बागी नेताओं को जो बागी होने के कगार पर हैं। हालाँकि अगर आप इस पूरे मामले को देखो तो इसकी स्क्रिप्ट पिछले साल अगस्त में लिखी गई थी, जिस समय ये संकेत दिए गए थे कि गुलाम नबी आज़ाद को दोबारा राज्यसभा नहीं लाया जा रहा है। उसके बाद से एक लामबंदी शुरू होती है और उसके बाद से जो ग्रुप 23 की बात की जा रही है वो तैयार होती है। दूसरी सबसे अहम बात बताई जा रही है कि इनके तरफ से एक और मांग की गई थी और ये कहा गया था कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को आप LOP नहीं बनाते हैं तो ऐसे में आनंद शर्मा को LOP बनाया जाए। ये मांग इन सदस्यों की तरफ से की गई थी लेकिन उस मांग को भी ठुकराया गया था। और लगातार जो दरकिनार की बात की जा रही है, इससे पहले जो सीनियर लीडर हैं मुकुल वासनिक की अगर बात करें तो मुकुल वासनिक को राज्यसभा भेजे जाने की बात किया थी, उस पर भी जो आला कमान मुझे याद है, मुझे याद है रवि, जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था वो लगातार साइडलाइन कर रहे थे वरिष्ठ नेताओं को, इससे एक नाराजगी जरूर थी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी न्यूज रूम से मौजूद है। धीरेन्द्र जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बार इंदिरा गांधी के काल में भी कांग्रेस दो फाड़ हुई थी, तो क्या ये दो फाड़ की स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए आज जिस तरह से एक खास कलर के, आपने देखा होगा क्योंकि जब साफा पहनाया जाता है तो तैयारी की जाती है, ये तय होता है कि किस रंग का पहनाया जाएगा, मंच पर जब आएंगे तो पूरी तैयारी हुई होगी, तो केसरिया रंग बिल्कुल साफ करके उन्होंने चूज़ किया है, जिसको हम लोग साख का ऐतिहासिक तौर पर कई बार हम लोग सिर्फ उनके प्रतीकों से समझने की कोशिश करते हैं, तो ये साख का है, यानी ये आखिरी लड़ाई है, ये एक पूरा ग्रुप है जो एक आखिरी लड़ाई के तौर पर इसको देख रहा है। सिर्फ आज़ाद के अलग होने की पीड़ा नहीं है ये, इसके लिए इतने लोग अपने आप को दांव पे नहीं लगाते, ये कांग्रेस के अंदर चल रही एक इंटरनल जो चर्निंग है उसका एक हम उसको सामने आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम लोगों ने 69 में देखा था। जी बिल्कुल, ये आंतरिक लड़ाई है, वक्त की मेरे पास बहुत कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी। रवि, आपका भी कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जम्मू से शाहनवाज खान आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से जम्मू में असंतुष्ट नेताओं की एक बैठक और सीधे कांग्रेस आला कमान को नसीहत देने की कोशिश की गई।